कह रहे हैं कि बाहर से दवाई किन लीजिए अपना, तो यहाँ नहीं, हम तो बाहर से किन्ना कहाँ पहुँचाएगा, फ्री दवा हमको मिलना चाहिए जब आए। ना कोई दिनाई का दवा मिल रहा है, ना खांसी का दवा मिल, ना सिरप मिला, सिर्फ एक टैबलेट देकर, सिर्फ एक टैबलेट देकर कहा जा रहा है कि जाइए यहाँ से हो गया इलाज। ये वो दवाई दे दिए है, तीन को कह रहे हैं जो बाहर से लीजिए, कोई कोई सर्दी खांसी है, दिनाई है, कुछ दवा हुआ नहीं है, एक चार वो गोटी दवा। हम लोग 50 रुपया खर्चा करके, 100 रुपया खर्चा करके आए हुए हैं इलाज करवाने के लिए, पर्ची कटवाया, उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर दवे नहीं है। दो तो दवा दे दिए, बोले जा रहे हैं बल्लेक से ले लीजिएगा, तो कहे के लिए दिखा रहे हैं, लग जगह गरीब आदमी है, कमाएंगे अब डंडों के भाव भरेंगे प्राइवेट से, कहे के लिए इसमें आएंगे। स्वास्थ्य मेले का फायदा क्या हुआ, ये सीधा सवाल मंगल पांडे से किया जा रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री है। एक बाबा हमको मिल गए हैं, लाठी लेकर के आए हुए, बिल्कुल लाचार है, इस उम्मीद पर आए हैं कि यहाँ पर हमको बेहतर सुविधा मिलना है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। और देखिए बिल्कुल गरीब है, चलने में असमर्थ है, लाठी के साथ है, क्या दिक्कत है बाबा, कहाँ से आए हैं? क्या हुआ है, मामला क्या, क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि बाहर से दवाई किन लीजिए अपना, तो यहाँ नहीं, हम तो बाहर से किन्ना कहाँ पहुँचाएगा, पहुँचाओगे तब किन जाएगा। तो आप क्या मांग करें, यहाँ दवाई मिलना चाहिए आपको, फ्री दवा हमको मिलना चाहिए जब आए, सिविल में तो हमको मिलना चाहिए, तो मिल नहीं रहा था, कहाँ जाए। देखिए एक पेशेंट है जो स्वास्थ्य मेला ढाका अनुमंडल में आए हुए हैं, जो रेफरल अस्पताल ढाका में स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, लेकिन इनके साथ कुछ समस्या है, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम भूषण कुमार हुआ। क्या है, परेशान हो गए? परेशान है कि सर हम इलाज करवाने आए हैं, पहुँचे स्वास्थ्य जी द्वारा जो स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, मोबाइल पर झूठ मूठ का मेला लगाए हुए है कि यहाँ पर इलाज चल रहा है, फ्री में इलाज होगा सरकारी हॉस्पिटल में, यहाँ पे आने के बाद में पर्ची कटा, हमको खांसी हुआ है, बुखार उखार लगा हुआ है, सिर्फ एक दवा दे दिया जा रहा है सर, कह रहा कि जाइए यहाँ, दवा नहीं है, ना कोई दिनाई का दवा मिल रहा है, ना खांसी का दवा मिल, ना सिरप मिला, सिर्फ एक टैबलेट देकर कहा जा रहा है कि जाइए यहाँ से हो गया इलाज। एक सिट्रीजिन है जो साइड इफेक्ट का दवा आता है, जो हमको सर्दी खांसी हुआ है, सिर्फ हमको सिट्रीजिन ही यहाँ से मिला है, खांसी का सिरप नहीं मिला है, दिनाई हुआ फिर दिनाई का भी दवा नहीं मिला है। बेसिक जो नॉर्मल चीज़ के लिए आया है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर दवाई इनको नहीं दिया जा रहा है और बाहर रेफर किया जा रहा है, क्या नाम बाबा? हमारा नाम कमल शाह है सर। अरे ये वो दवाई दे दिए हैं, तीन को कह रहे हैं जो बाहर से लीजिए, कोई सर्दी खांसी है, दिनाई है, कुछ दवा हुआ नहीं है, एक चार वो गोटी पकड़ा दिए, हो गया, बस जाइए बाहर से लीजिए। क्या मांग कर रहे हैं? वो दवा मांग कर रहे हैं, दवा के लिए आए हैं, उतना दूर से भाड़ा लगा करके, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? परसाद गांव से। क्या सोच के आए थे कि यहाँ पर फ्री में इलाज हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर काउंटर पर दवाई नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है साहब, तो दो गोटी पकड़ा दिए, चले जाओ घर, तीन गो दवा लो बाहर से, कुछ नहीं है यहाँ। जो मेला लगा हुआ है पवन जसवाल द्वारा, जो इलाज जो फ्री में हो रहा है, ये जितना भी आदमी यहाँ पे आ रहा है इलाज करवा, सब गरीब पंथ के लोग हैं, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर दवा है ही नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे दवा, झूठ मूठ कर लोगों को चुतिया बनाया जा रहा है कि यहाँ पे आइए, हम लोग 50 रुपया खर्चा करके, 100 रुपया खर्चा करके आए हुए हैं इलाज करवाने के लिए, पर्ची कटवाया, उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर दवे नहीं है। क्या नाम है? उषा देवी नाम है। कहाँ से आई है? इस जगह राजापुर से आए हैं, राजापुर बिश्रैया से। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है जब मान रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर ही फूला हुआ है, सरकारी है, तो यहाँ दवा के लिए दिखाए हुए आए हैं, तो दवा चाहिए ना कि बल्लेक से चाहिए, बोल रहे हैं दो ठो दवा दे दिए, बोले जा रहे हैं बल्लेक से ले लीजिएगा, तो कहे के लिए दिखा रहे हैं, लग जगह गरीब आदमी है, कमाएंगे अब डंडों के भाव भरेंगे प्राइवेटे से, कहे के लिए इसमें आएंगे, 3 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ लिखाइए, यहाँ लिखाइए, वहाँ लिखाइए, वहाँ लिखाइए, तो इन्होंने प्राइवेटे से दिखाएंगे, मजदूर हैं, 300 रुपया कमाएंगे, डॉक्टर के भाव भरेंगे, जब दुख होगा तो डॉक्टर के तो भाव भरवे करेंगे, इसमें कहे के लिए दिखाने आएंगे हम लोग, आज भी कल भी यही है, इसमें दवा आता है कि नहीं, दवा आता है कि नहीं, से गरीब को देने के लिए दवा सब का हो जाता है, जाइए बल्लेक से खरीदिए, जब बल्लेक से जब खरीदेंगे तो बल्लेक से दिखाएंगे और क्या। तो ये है स्वास्थ्य मेला की सच्चाई। देखिए भीड़ भाड़ जमा करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो काउंटर पर जो आप सर्विस दे रहे हैं वहाँ पर दवा उपलब्ध होना जरूरी है।
यहाँ गरीब मजदूर जो है एक उम्मीद पर यहाँ आए हैं कि यहाँ फ्री इलाज हो जाएगा, लेकिन यहाँ काउंटर पर एक दवा दे करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि प्राइवेट में ले लीजिए तो फिर फायदा क्या हुआ, स्वास्थ्य मेला का फायदा क्या हुआ? ये सीधा सवाल मंगल पांडे से किया जा रहा है जो स्वास्थ्य मंत्री है। और क्या करेंगे हम लोग, यही करेंगे, काहे ले ही लोग का सहारा लेने से क्या फायदा है, पैसा हमारे ही लोग का है, ये में से वो में लुटा रहे हैं और क्या कर रहे हैं लोग, का अपना दूध दवाई दिए हैं का हमें।